जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पर आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। विला खोदियार ग्रुप के तरफ से नया प्रोजेक्ट जो है लॉन्च होने वाला था और उसका भूमि पूजन आज है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि द्रोणागिरी जाऊंगा तो डेफिनेटली जैसा मैं हमेशा ही करता हूं, जो लोकल लोग मिलते हैं जो ऑलरेडी उधर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद शिफ्ट भी हो चुके हैं, ऐसे लोगों से हम बातचीत करेंगे और लोकेशन के बारे में तो बात करेंगे, बिल्डर के बारे में भी हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं। और ऐसे ही हमारे सब्सक्राइबर भी है और विला ग्रुप के जो है कस्टमर भी है, इन्वेस्टर भी है। और अच्छी बात यह है कि ये द्रोणागिरी में ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल, तो ऐसे लोगों के साथ तो डेफिनेटली बात करनी बनती है। अनिकेत त्रेवर जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका सर, आप हमारे सब्सक्राइबर रहिए। बिल्कुल, सबसे पहले आप बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस प्रॉपर्टी कवरेज के साथ आपका देखिए? बहुत ही जबरदस्त है। मैं आपके हर अपलोड किए हुए वीडियो देखता हूँ और खास करके आप जो फाइनेंसिंग के बारे में बताते हो कि कस्टमर को होम लोन कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, रिस्क कैसे मैनेज करे अपने मनी के साथ, लोकेशन कैसे सिलेक्ट करे, हर लोकेशन का जो आप डिटेल में वीडियो डालते हो, जैसे आपने हाल ही में पुष्पक नगर का डाला था, उल्वे का डाला, द्रोणागिरी के बारे में भी आप डालते रहते हो, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। चलो, एज अ इन्वेस्टर, एज अ बायर, मैं आपके मतलब आपके इससे आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर। चलो, थैंक यू सो मच सर। अभी लोगों को जानने की कोशिश हमेशा ही लोग करते हैं द्रोणागिरी के बारे में, सिंस आप काफी टाइम से द्रोणागिरी में रह रहे हो, द्रोणागिरी के कोई दो तीन चीजें आप ऐसे बताइए कि जिस वजह से आपको लगता है कि लोगों ने यहाँ पे घर लेने चाहिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले द्रोणागिरी को अपन जो बोलते हैं वो बोलते हैं साउथ नवी मुंबई। लोगों का एक सपना होता है कि भाई मुझे मुंबई में घर लेना है या साउथ मुंबई में घर लेना है, लेकिन वो कुछ रीजंस की वजह, जैसे कि प्रॉपर्टी के रेट्स बोलो या अवेलेबिलिटी बोलो, उनकी वजह से वो सपना पूरा नहीं हो पाता है। तो सिडको ने, नवी मुंबई ने एक बहुत अच्छा नोड अपने इधर डेवलप किया है जो कि मुंबई के साउथ जो मुंबई है वहाँ से एकदम नज़दीक है। जैसे ही अपने नवंबर दिसंबर में जो सीलिंग चालू होने वाला है जिसको कहते नावा सेवा सिवड़ी सीलिंग, तो वो एक बार सीलिंग चालू हो गया तो आप साउथ मुंबई से साउथ नवी मुंबई, मतलब आपका जो सपना है साउथ रीजन में रहने का, वो एकदम 15-20 मिनट के दूरी पे आ जाएगा। ये हो गया सबसे पहली बात। सेकेंड चीज जो यहाँ पे चालू होने वाली है वो होने वाली ट्रेन, जो अभी 3-4 महीने में चालू हो जाएगी, पूरा ऑलमोस्ट 95% इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है वो पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और सर ने उसके बारे में भी वीडियो डाले हुए, आप चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकते हो या सर आपको आई बटन में लिंक छोड़ देंगे। काम पूरा आसान कर दिया आपने इस बार। सेकंड चीज है अपना लोकल ट्रेन, जो कि सबसे इकोनॉमिकल है, फ्लेक्सिबल है और कभी भी आप उससे ट्रैवल कर सकते हो मुंबई से लेकर नवी मुंबई तक। अगर करंटली आप देखोगे तो मुंबई से नवी मुंबई आने के लिए 2-3 घंटे लगते हैं, लेकिन जैसे ये सीलिंग चालू हो जाएगा तो आप हार्डली 30-40 मिनट्स में साउथ मुंबई यानी कि कुलाबा से लेकर द्रोणागिरी तक आप 30-40 मिनट में पहुंच जाओगे, पहली चीज। सेकंड चीज, अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे बाय रोड नहीं जाना है तो आप लोकल ट्रेन भी पकड़ सकते हो, जो कि शुरुआत में ट्रेन चालू होगी उरण से बेलापुर, लेकिन आने वाले टाइम में वो सीधा ट्रेन जाएगी उरण से सीएसटी। तो आप हार्डली जितना टाइम सीएसटी से पनवेल लगता है 1.25 घंटा, उतना टाइम आप सीएसटी से उरण 1.25 घंटे में आ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि लोकेशन को सिर्फ मैं ही स्टडी करता हूँ, पर ऐसा नहीं है, हमारे सब्सक्राइबर भी बहुत स्टडी करते हैं, बिकॉज जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है ना, वो बहुत खूबी से एक्सप्लेन किया है। चलो, चैनल के बारे में आपने बोला, द्रोणागिरी के बारे में बोला, अब आपने मुझे जैसा पहले बातचीत हुई कि आपने मेरे को पता चला कि विला में भी इन्वेस्टमेंट की है, तो विला ग्रुप या खोडियार ग्रुप के पास आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसका कैसा एक्सपीरियंस है, बिल्डर एक्सपीरियंस कैसा? देखो, द्रोणागिरी में बहुत सारे बिल्डर्स है, लेकिन मैं बाकी के बारे में भी कमेंट नहीं करूंगा कि आपने सीधा सवाल पूछ ले विला के बारे में। और मैं विला का एक जेन्युइन कस्टमर हूं पिछले 7 से 8 साल से। ऐसा कि मैं पहली बार विला के फंक्शन में आया हूं, मैं पिछले 7-8 साल से लालजी भाई बोलो, करण, प्रभु पटेल, चिराग, इन विला के जितने भी वोटर प्लेटर सबको एकदम पर्सनल लेवल पे जाके जानता हूँ, पहली चीज, काफी साल। ठीक है, और सेकंड चीज, विला के जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स है वो अगर आप देखोगे तो वो द्रोणागिरी नोड में है। यस, ट्रू, एग्री। ठीक है, ये सबसे पहली बात, द्रोणागिरी में मेरी टोटल 4 प्रॉपर्टीज है, उसमें से 2 प्रॉपर्टीज मेरी विला की तरफ, टू बी फ्रैंक। अच्छा, एक मेरा शॉप है जो कि देवकृपा के सामने, जो विला का प्रोजेक्ट बन रहा है, इंपीरा विला, प्लॉट नंबर 141 सेक्टर 50, करेक्ट, वहाँ पे मेरा शॉप लिया हुआ है, वो मैंने 2017 में लिया था। अच्छा। ठीक है, और एक मैंने फ्लैट लिया था 2020 में जो एपिस का जो चौक है, सेक्टर 52 और 55 चौक है, वहाँ पे एकदम चौक में जो 52 सेक्टर में जो बिल्डिंग है उसका नाम है ओमार्क विला, वहाँ पे मैंने 2020 में फ्लैट भी लिया हुआ है। अच्छा। तो दोनों चीजों में मेरा एक्सपीरियंस एकदम ही स्मूथ रहा, मेरा बहुत सारा फ्रेंड सर्कल भी है, मेरे खुद के फ्रेंड्स भी है, रिलेटिव्स भी, जिन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो बाकी बिल्डर के साथ उनका एक्सपीरियंस इतना सीमलेस नहीं रहा है जितना विला के साथ, अक्सर के साथ, ये जो बड़े बड़े बिल्डर है वहाँ पे आप शोर शॉर्ट मतलब ले ही सकते हो। सर, मुझे लगता है आपने ना तो सिर्फ प्रॉपर्टी कवरेज को स्टडी किया, तो पूरे द्रोणागिरी को और जो हम आरओआई कहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कहते हैं प्रॉपर्टी का, उसको भी पूरा स्टडी कर लिया। और सर ने शायद मुझे लगता है एयरपोर्ट के बारे में भी वीडियो डाले हो सकते हैं, तो आप वो भी देख लीजिए, क्योंकि 4 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो हो गई लोकल ट्रेन,
दूसरा हो गया ट्रांस हार्बर लिंक, तीसरा हो गया एयरपोर्ट और चौथा हो गया अपना रोड्स के डेवलपमेंट जो बहुत तेजी से हो रहे हैं। रोड्स के तो ऑलमोस्ट हो गए, खाली जासई नाका पे जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक वो भी कुछ दिनों में हट जाएगा, वो भी ट्रेन कनेक्ट जो ब्रिज की वजह से वो भी ट्रैफिक हट जाएगा। तो आप नेरुल से लेके द्रोणागिरी तक हार्डली 30 मिनट में ट्रैवल कर सकते हो। मेरा ऑफिस लोअर परेल में, मैं यहाँ से रोज लोअर परेल जाता हूँ। अब यहाँ से द्रोणागिरी से लोअर परेल ट्रैवल कर जाता हूँ और 3 साल हो गए मेरे सर के मैं आज से ही जा रहा हूँ। अच्छा, तो हार्डली मुझे 30 मिनट लगते बेलापुर जाने के लिए, वहाँ से 1 घंटे में ट्रेन। पर आप ये इसके लिए रेडी हो गए कि आपको मालूम है फ्यूचर ब्राइट, फ्यूचर इज ब्राइट। अभी देखो जो स्ट्रगल था वो तो निकल गया, लेकिन अगर आपको नया कस्टमर अभी आ रहा है तो उसको स्ट्रगल नहीं करना है, क्योंकि अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया। जब मैं आया था 3 साल पहले तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज जब आज से 3 साल पहले है ना, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था यहाँ पे एटलीस्ट। अभी लोग तो दिखते, पहले लोग भी नहीं दिखते थे। ट्रू ट्रू ट्रू। चलो बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। और पहली बार ऐसा मौका मिलता है कि सब्सक्राइबर्स इतने अच्छे फीडबैक देते हैं सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। आज का जो भी वीडियो हम बना रहे हैं ना, उसमें मज़ा तब आता है ना जब लोकल लोग इन्वॉल्व होते हैं। वैसे ही आज हमारे साथ मंगेश भोईर सर है जो द्रोणागिरी उरन से जो है लोकल है, पर इन्होंने खुद ने जो है यहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करी है। इवन विला खोदियार जो ग्रुप है इनके पास भी इन्होंने अच्छी खासी प्रॉपर्टी जो है इन्वेस्टमेंट की हुई है। सर आप सबसे पहले बताइए कि उरन द्रोणागिरी इस लोकेशन पर लोगों को क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बिकॉज आप इन्वेस्टर रहे हो इस लोकेशन पर, एज एन इन्वेस्टर बताना है। हाँ, नहीं अभी कैसा है, ये द्रोणागिरी बहुत डेवलप होते जा रहा है और पनवेल के मुकाबले ये द्रोणागिरी क्लीन है, इसका वातावरण बहुत साफ है। और इधर द्रोणागिरी में अभी फिलहाल अपना डेवलप चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये द्रोणागिरी में अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है। और विला का इसमें बहुत ही कंस्ट्रक्शन अच्छा है, इसमें मैंने खुद ने 2015 में दो फ्लैट लिए थे। अच्छा। हाँ, दोनों भी 1 BHK थे उसमें। उसके बाद में करण सर का मेरा डिस्कशन बहुत ही अच्छा हो रहा है। अच्छा। उसका मतलब जो कस्टमर है उनको हैंडल करने के लिए भी वो अच्छे तरह से हैंडल करते हैं। अब मैंने 2020 में कन्वर्ट करके, मेरा 1 BHK में था वो मैंने 2 BHK में कन्वर्ट किया। जैसे मैं, हाँ, जैसे मेरी बहन है उसने भी लिया है, मेरा चचेरा भाई है उसने भी सिग्नेचर विला में लिया है, मैंने एम्पायर विला में, सारे लोगों ने विला में ही लिया, मैजेस्टिक विला में भी लिया है। अच्छा। हाँ, सब मतलब टावर में ही लिया है। और विला का प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है और ज़्यादा करके मुझे करण सर बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो कस्टमर को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। आपके फैमिली में कितने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स या फ्लैट होंगे जो आपने विला में लिए? अभी देखो मैजेस्टिक में है, सिग्नेचर में है और सब 2 BHK, सिग्नेचर में 1 BHK है और मैजेस्टिक विला में 2 BHK है, एम्पायर विला में 1 BHK भी है और मेरा 2 BHK भी है। और मैं लगभग 2015 से विला ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ही मुझे अच्छा लगता है ये विला ग्रुप में आके, मुझे अच्छा लगता है। और मेरा मतलब मेरे पास और पैसे होते मैं और इन्वेस्टमेंट विला में ही करूँगा और ये मुझे अच्छा लगता है विला ग्रुप से, मैं मतलब घर का जैसा मुझे लगता है सब। अच्छा, इतने सालों के रिलेशन तो वैसे बिल्ड हो चुके हैं, अच्छा लगता है मुझे। चलो बढ़िया, तो ओवरऑल आपका विला के बारे में एक्सपीरियंस अच्छा? बहुत ही अच्छा, इसीलिए मैं किसी के फंक्शन में ज़्यादा करके जाता नहीं हूँ। अच्छा। और मुझे इनवाइट किया, मैं इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे विला ग्रुप अच्छा लगता है, इसलिए मैं इधर आया हूँ। चलो मंगेश जी, थैंक यू सो मच फीडबैक देने के लिए। दोस्तों अभी हमारे साथ जो है ना मंगेश धरत सर है, वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, पहले भी प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी बुक की है। तो हाल ही में बुक की है कि पहले बुक किया? पहले बुक किया। कितना टाइम हुआ बुक करके? 2 साल। ठीक है। कौन से प्रोजेक्ट में किया था? विला ओशियनो। विला ओशियनो। अच्छा, इसमें आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा बिल्डर के साथ? मतलब स्मूथ था, बिल्डर ने कितना कोऑपरेट किया, हेल्प किया, कैसा रहा? फुल कोऑपरेट किया बिल्डर ने, स्पेशली करण को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अच्छा। और मेरा दोस्त आनंद ठक्कर जिसने मुझे बुक करने में हेल्प की। अच्छा। और जो भी आपका प्रोसेस था बुकिंग का वो सब स्मूथ रहा? हाँ, मस्त है, मस्त है। अच्छा, अब शायद से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ बिकॉज वो प्रोजेक्ट मैंने देखा, जब आपने बुक किया था तभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। यस। अभी प्रोजेक्ट कोविड भी आया था उसमें लोग भूलते नहीं है कोविड के एक्सपीरियंस। तो उसमें जब आपने बुक किया था तभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी प्रोजेक्ट रेडी है। ठीक है। तो जो आपको बताया गया था और अभी का जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिला है सेम है? हाँ, सेम है। आप हैप्पी हो, सैटिस्फाइड हो प्रोजेक्ट के साथ, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी? चलो बढ़िया। विला ग्रुप के लिए और हमारे प्रॉपर्टी कवरेज चैनल के कुछ बेस्ट विशेष? विला ग्रुप के लिए मेरे तरफ से बेस्ट विशेष और आपके चैनल पे के लिए भी बेस्ट विशेष। चलो थैंक यू सो मच सर। दोस्तों आज का भूमि पूजन का जो प्रोग्राम यहाँ पर था, काफ़ी सारे लोग मिल रहे जो अपने अपने फीडबैक देना चाहते हैं।
और मुझे ऐसा लगता है कि जब जेन्युइन लोग आते हैं और जेन्युइन राय अपने सामने रखते हैं ना, तो लोगों को जो है डिसीजन मेकिंग में बहुत सारी हेल्प होती है। हमारे साथ एच डी जोशी साहब है और इनका इंट्रोडक्शन मैं स्पेशली देना चाहूँगा। साहब इंडियन नेवी से जो है रिटायर्ड है और इन्होंने खुद ने जो है द्रोणागिरी में प्रॉपर्टी लिए। पहले इन्होंने जो है उरन में ही सर्विस की काफ़ी साल और बाद में रिटायर्ड हो चुके अभी, और फिर द्रोणागिरी उरन ये लोकेशन उनसे छूटा नहीं गया। फिर यहीं पर इन्होंने जो है नई प्रॉपर्टी लेने का जो है प्लानिंग किया और मेरे ख्याल से विला में ही आपने पहली प्रॉपर्टी परचेस की। तो सर आप विला के बारे में तो हम बात करेंगे, पर आप मुझे दो ऐसी चीज़ें बताइए जिस वजह से आपको लगता है कि लोगों ने सच में यहाँ पर घर लेना चाहिए द्रोणागिरी में। देखिए अब तो जरूर लेना चाहिए, इसका कारण है कि लोकल ट्रेन बहुत जल्दी हमारे सामने आने वाली है। बढ़िया। मैं यहाँ पर अक्षर इस्तोनिया में रहता हूँ, मेरे घर से 3 मिनट की दूरी पर अक्षर इस्तोनिया है, और जो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहा है यहाँ से उरन का और प्रोजेक्ट द्रोणागिरी का रेलवे स्टेशन समान दूरी पे है, यानी कि 5-5 मिनट या 10-10 मिनट के अंदर आप जा सकते हैं। विला ग्रुप है और इसने काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट किए हैं, बहुत अच्छा यहाँ काम किया और उनका भी नाम भी हो रहा है, और मैं उनको बधाई भी देना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के लिए। आज उन्होंने यहाँ पे एक शानदार ओपनिंग की है और उस ओपनिंग के मैं अपने काफ़ी दोस्तों को लाया है, शायद मेरे दो एक्स नेवी के लोग हैं वो अभी अभी बुकिंग भी कर रहे हैं, और मैं जो लोग मेरे अक्षर में रहते हैं वो लोग भी काफ़ी उन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है। मैं चाहूँगा यहाँ पे आना चाहिए। और अब नवा सिवा ट्रांस हार्बर लिंक जो बहुत ही जल्दी इसी साल के अंत पे हमको यहाँ से बम्बई, हम रोज शाम को पिकनिक मनाने गेटवे में जाएंगे और एक घंटे नहीं मोरा से नहीं ट्रांस हार्बर लिंक से, और वो इस साल के अंत में ऐसा कहा जा रहा है हमारे सामने शुरू होने वाली है। अभी हाल वो शुरू होने वाली है, उस दिन करंजगड़ा पनवेल ये सब छूट जाएगा द्रोणागिरी के सामने। अभी हाल ही में अनाउंस किया था कि इस साल के नवंबर में जो है लोगों के लिए ओपन होने वाला है। इवन फोटेज तो हमने पहले भी इस चैनल पे शेयर किए थे कि कितना काम हुआ है, 90-95% तक काम हो चुका है, जैसा सभी को पता है कि इस साल के एंड में जो है ना वो शुरू होने वाला है। इवन ट्रेन का भी काफी सारा ग्रोथ हो चुका है, बहुत ज्यादा ट्रेन तो कन्फर्म है, ये चीजें मेरे ख्याल से इस साल के अंत तक तो जरूर आएंगी, और नहीं तो शुरुआत में तो आएंगे 100%। यहाँ पे हम लोग शर्तें लगाते हैं इस बारे में कि कब तक कंप्लीट होगा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं जो मेरे व्यूअर हैं जो मुझे सुनना चाह रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आप, मैं लीव बिला ही नहीं द्रोणागिरी में, द्रोणागिरी के अंदर आप अपना इन्वेस्ट करें। मेरे फौजी लोग जो कहीं सुन रहे हो मुझे, उनके लिए भी काफ़ी यहाँ पे हमारे नेवी का बेस है INS तुनीर, वहाँ से भी हमें काफ़ी सहायता मिलती हैं, और नेरूल में हमारा ECHS है, कैंटीन फैसिलिटी है, और यहाँ से अब कनेक्टिविटी बहुत जल्दी अच्छी होने जा रही है। मेरा उनसे अनुरोध है कि अपना इन्वेस्टमेंट जरूर करें, दुकान के रूप में, मकान के रूप में, या कैसे भी रूप में जरूर करें। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। लेकिन आपको बताना चाहूँगा हमारा प्रॉपर्टी कवरेज है ये जो चैनल, इसका शुरुआत का और आखिरी जो स्लोगन है वो जय हिंद है। इसी माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश की जो ग्रोथ हुई है या फिर देश को जो सपोर्ट मिला है वो इसीलिए मिला है कि ताकि आप जैसे लोग जो है ना अपनी लाइफ सर्व करते हैं देश के प्रति, और आप जैसे लोगों को हमारा चैनल जो है ना दिल से सल्यूट करता है। जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू। दोस्तों ऐसा है, आज के इस भूमि पूजन में मुझे चांसेस मिल रही है यहाँ के लोकल लोगों से जो है ना बातचीत करने के, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ जब लोकल लोगों से बातचीत करते हैं ना तो ग्राउंड रियलिटी ज़्यादा पता चलती है। ऐसे हमारे साथ जो है अभी गजेंद्र ठाकुर साहब है जिन्होंने हाल ही में उरन के, ये जो है ऑलरेडी यहाँ पर रहते हैं और इन्होंने जो है द्रोणागिरी में भी अपनी इन्वेस्टमेंट की है विला ग्रुप के पास। तो सर यही अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब करते हुए आपको पूछना चाहेंगे कि आपको ऐसा कौन सा दो चीज़ लगता है जिस वजह से आपको लगता है कि लोगों ने जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए द्रोणागिरी में, या फिर रहने आना चाहिए, या फिर घर या दुकान है जो भी प्रॉपर्टी है वो लेनी चाहिए। दो कोई बातें बताइए आप। ओके अच्छा, तो मैं एक्चुअल 2017 से जुड़ा हूँ विला ग्रुप से। अच्छा, तो मेरा विला ग्रुप से एकदम फ्रेंडली रिलेशन है, क्लोजिंग। अच्छा, तो ब्रदरहुड जैसा। अच्छा, तो मैं दूसरा प्रॉपर्टी से ज़्यादा विला ग्रुप से इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि इनका वर्क ऑफ क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। अच्छा ओके, देन इसके नज़दीक रेलवे स्टेशन है और इनका जो प्रॉपर्टी है वो एकदम नियर रोड टच प्रॉपर्टी ज़्यादा करें और एमिनेशन भी ज़्यादा है। अच्छा, फैसिलिटी, तो इसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो इसके आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि जितना विला के या किसी को मेरा फ्रेंड सर्कल है तो उनको भी उनसे इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि आप दूसरा चौके विला के पास ले लो। बढ़िया। और एक कोई पॉइंट बताइए इस बार आप द्रोणागिरी के बारे में बताइए कि द्रोणागिरी क्यों लोगों को आना चाहिए।
द्रोणागिरी लोगों को इसलिए आना चाहिए कि अपना सीलिंग हो रहा है चूड़ी सीलिंग, तो 15-20 मिनट कनेक्टेड हो जाएगा मुंबई से, एयरपोर्ट हो रहा है, तो ऐसे ये महा मुंबई ही बन रहा है अभी हमारा उरण जो है वो टोटल महा मुंबई बन रहा है, तो मैक्सिमम लोग इधर कनेक्टेड हो जाएंगे और आना चाहिए, पोल्यूशन कम है इधर, तो ये बेस्ट एरिया है इधर रहने के लिए। बढ़िया बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैडम। दोस्तों जब अलग अलग लोग मिलते हैं और अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं ना, तो डेफिनेटली इंटरव्यू है ना बहुत बहुत मजा देते हैं। इस बार आनंद सर है मेरे साथ, आनंद ठक्कर जी नाम है इनका, इनका इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगा सर, आपका प्रोफेशन पहले बताइए, आप क्या करते हो? हेलो, मेरा नाम आनंद ठक्कर है, मैं उरण नवी मुंबई में रहने वाला हूँ। मेरा प्रोफेशन की बात करें तो मेरा फर्स्ट प्रोफेशन है टैक्स कंसल्टेंट, उसके बाद मैं रियल इस्टेट का काम करता हूँ। रियल इस्टेट का काम मैं विला से लगभग 8-10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और थर्ड प्रोफेशन सर ने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं मूवी सीरियल में एक्टिंग करता हूँ, वेब सीरीज सर, एक्टर भी हूँ मैं। कौन से मूवीज में सीरियल्स में काम किया आपने, क्या क्या रोल किया? अभी तक मराठी मूवी मेरा फर्स्ट राजे क्रांति जो यूट्यूब पे आ चुका है आप देख सकते हो, उसके बाद सन 1981, फिर मराठी सीरियल अस्मिता शौर्य, और अभी रिसेंटली 26 जनवरी को मेरी हिंदी बॉलीवुड फिल्म जो बॉलीवुड एक्टर के साथ मास टीवी OTT पे रिलीज हुई है, उसका नाम है भलेसा। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप मास टीवी OTT पे जाके देख सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगर इनके रिक्वेस्ट पे आप जाते हो चैनल पे देख लेते हो और रिकॉग्नाइज करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने इनको देखा है करके। चलो बहुत बढ़िया सर, अभी हम बात करेंगे जिसके लिए हमने यहाँ पे एक्चुअली ये शुरू किया। सही बात सर, आप बताइए द्रोणागिरी में लोगों ने क्यों घर लेना चाहिए, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबसे फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि द्रोणागिरी में घर इसलिए लेना चाहिए कि मुंबई नवी मुंबई के बाद जो एंड सेक्शन आ रहा है, यहाँ से आगे देखेंगे तो समंदर ही समंदर है, और एक मिडिल क्लास लोअर क्लास पीपल यहाँ पे घर अभी खरीद सकता है। आगे जाके एयरपोर्ट स्टेशन आने के बाद जो कंडीशन आज के तारीख में कॉमन मैन बॉम्बे में फ्लैट नहीं ले सकता है ना नवी मुंबई में ले सकता है, वो आज यहाँ ले रखेगा तो उसका फ्यूचर सेटल है। मतलब अभी प्राइजेस कम है इसलिए लेनी चाहिए। एग्जैक्टली, चलो ये प्राइस मुझे ये बात मुझे समझ में आ गई कि हम प्राइस पॉइंट पे बात कर रहे थे, प्राइस पॉइंट कम है। विला ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा ना, तो सबसे मेन उनके जो MD जो मैनेजिंग डायरेक्टर लालजी भाई, करण भाई, प्रभु भाई पटेल, इनसे मैं लगभग 2013 से जुड़ा हुआ 2013 से जुड़ा हुआ हूँ। अगर मेरे रियल इस्टेट का करियर अगर शुरू हुआ है ना, तो सच कहूँगा विला ग्रुप के वजह से हुआ है। उसके पहले मैं लिटरली 3-4 साल में स्ट्रगल कर रहा था, मैं भाग रहा था, लेकिन मैं डील क्रैक नहीं कर पा रहा, काम नहीं हो रहा था। बट मैं मेरा फर्स्ट जो डील क्रैक हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ इनके वजह से हुआ, ये मैं कह सकता हूँ गर्व से। चलो तो ओवरऑल आपका बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है और अभी भी अच्छा ही चल रहा है। बहुत बढ़िया, चलो हम आशा करते हैं आपका ऐसा ही एक्सपीरियंस आगे भी बरकरार रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों ऐसा है, लोकेशन के बारे में जो बंदा खुद रह रहा है ना वहाँ पे, उससे बेटर फीडबैक कोई नहीं दे सकता। करेक्ट, और आज के इस इवेंट में अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे ये मिली कि मेजोरिटी लोग ऐसे मिल रहे हैं ना जो द्रोणागिरी या फिर उसके आसपास के लोकेशन से बिलोंग करते हैं, और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमें उनसे कुछ सवाल जवाब करने में पता चल रहा है, बात करने में पता चल रहा है। तो जेन्युइनली ऐसा है कि द्रोणागिरी के बारे में लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ओके, अभी भी कुछ लोग ऐसा समझते हैं, हम यूट्यूब पे तो इतने सारे वीडियोस डालते हैं, पर अभी भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि द्रोणागिरी कोई ऐसे लोकेशन का नाम बता रहा हूँ ना जहाँ पे जाना आना पॉसिबल होने वाला ही नहीं है। करेक्ट, तो सर आपके लिए रिक्वेस्ट होगी मेरी कि आप बताइए कि द्रोणागिरी एग्जैक्टली कहाँ है और आपको क्यों लगता है कि द्रोणागिरी में लोगों ने आना चाहिए रहने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द्रोणागिरी बहुत से लोगों का कॉन्सेप्शन ऐसा होता है कि ये कुछ आउटसाइड है, रायगढ़ बोलता तो कहीं पे कुछ रायगढ़ आता है, लिख के रायगढ़ आता है, मेन कॉन्सेप्ट वही है, रायगढ़ लिख के आता है तो ये कहीं पे आउटसाइड है क्या। बट बहुत लोगों को मालूम है कि यहाँ के कनेक्टिविटी क्या है, फ्यूचर्स प्लान क्या है, और ऑलरेडी ये एरिया कितना डेवलप्ड है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे नंबर वन पोर्ट है हमारे पास, फर्स्ट थिंग ONGC है, बड़े बड़े यहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्रीज है, और सबसे बड़ी बात तो जो रोड कनेक्टिविटी दिया है अभी जो फ्यूचर में आने वाला है, तो November 2023 आई थिंक ये साल में नवंबर में आएगा, इसीलिए वो टाइम में जब इसका भाव बढ़ेगा वो फैबुलस होगा, रिटर्न्स आपको कहीं पे भी मिलेंगे नहीं। जो एरिया यहाँ पे है
और सबसे खास बात द्रोणागिरी की एक है कि आप अगर ये साइड से देखोगे तो आपको मुंबई नजदीक है, मुंबई दिख ही जाता है, पूरा ओपन एरिया है। अपोजिट देखोगे यहाँ पे अलीबाग और पूरा सी है। जो ये बीच में जो एरिया है ये द्रोणागिरी है और इसके कारण यहाँ पे जो नेचर है नंबर वन। मेरा एक फ्लैट उरन में भी है और एक फ्लैट यहाँ पे भी है, तो मैंने उरन का फ्लैट वैसे ही रखा है और यहाँ पे मैं शिफ्ट आ गया। इतना टाइम हुआ सर द्रोणागिरी में? मुझे 4 साल हुआ है। ओवरऑल कैसा रहा द्रोणागिरी का? एक नंबर। और मैंने यही ग्रुप से जो करण भाई है हमारे खास विला ग्रुप, जो पहले सबसे कम पहले प्रोजेक्ट बना देते हैं तब से हम लोग उनसे एज ए इन्वेस्टर जुड़े हैं। अच्छा, तो मैंने एज ए इन्वेस्टर करके उनको पैसे डाला था, उन्होंने देन फ्लैट में कन्वर्ट किया तो 2 BHK ऐसे मेरा नेल भी हो गया। अच्छा, अगेन आई एम इन्वेस्टिंग टू अनदर हिज नेक्स्ट, अभी रीइन्वेस्टमेंट का अपना सिलसिला चल रहा है। और हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग 3-4 दोस्त है एक साथ में ही बुक करते हैं। यहाँ पे भी हमने 4 फ्लैट एट ए टाइम लिए थे दोस्त ने। अच्छा, तो ओवरऑल ऐसा अच्छा रहा है? अच्छा आ रहा है, वेल। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आप बताइए कुछ द्रोणागिरी के बारे में, आप कब से रह रहे हो सर द्रोणागिरी में? 4 साल हो गए मेरे को भी, साथ में रहते हम, साथ में। अच्छा, दोस्ती आप? हाँ, हम साथ ये 4th पे रहते हैं, मैं 5th पे रहता हूँ। अच्छा, एक ही प्रोजेक्ट में? कौन से प्रोजेक्ट में? विला के? स्काई विला। स्काई विला। अच्छा, स्काई विला में रहते हो? हाँ। बहुत बढ़िया, प्रोजेक्ट तो अच्छा बनाया इन्होंने। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस फिर बिल्डर? बहुत बढ़िया, इसलिए हम दूसरा भी ट्राई कर रहे हैं इधर लेने का, भूमि पूजन में। भूमि पूजन आज आए हैं। अच्छा, देखते हैं कैसा क्या। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर बेस्ट विशेष कुछ डेवलपर बिल्डर्स के लिए? मैं विश करना चाहता हूँ पूरा एंटायर ग्रुप को और मेनली करण भाई को कि जिन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट और कम समय में इतना डेवलपमेंट किया, सो हैट्स ऑफ। उन्होंने बहुत अच्छा क्वालिटी दिया है और लोगों को सेटिस्फाइड भी किया है यहाँ पे टू दिस कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे जेन्युइन फीडबैक जो है ना जरूर मैं आप तक हमेशा पहुँचाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, चलो बाय। थैंक यू।